हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस आर के क्लासेस में। दो मॉडल डाल दिए थे प्रैक्टिस सेट के और ये तीसरा मॉडल आज लेकर के आए हैं। इसमें लगभग 12 13 15 तो क्वेश्चन हैं, तो हम 15 क्वेश्चन में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़े आराम से समझना है इसमें, ठीक है। बेसिक भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ भी बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए या जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ठीक है। तो पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं, फिर इसकी ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। तो बेसिक समझो, पहले इसका बेसिक को समझो कैसे करेंगे। किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं, माना एक संख्या हमारे पास, माना संख्या एक्स है, ठीक है। अब कह रहा है संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, तो संख्या में मैंने 21 जोड़ दिया तो एक्स प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अपनी तिगुनी संख्या से अगर इसमें एक्स जोड़ दो तो ये वाली जो है अपनी इस संख्या से, यानी तीन गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें 21 जोड़ दिया जाए, 21 जोड़ने पर तो अपनी तिगुनी यानी इस संख्या का तीन गुने से ये वाली संख्या 7 कम हो जाती है, तो माइनस 7 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम 21 को यहाँ रखेंगे, 7 को इधर लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा, ये 3 लिखा, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस में एक्स हो जाएगा, ये 28 हो गया, ये आ जाएगा 2x, काट दीजिए 14 बार में, तो x बराबर क्या आ गया, 14। x बराबर कितना आ गया, 14। तो कौन सा आंसर सही है, पहला वाला, ठीक। अब इसकी ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है कि हम इनको ऑप्शन से उठाएंगे, इनमें ऑप्शन उठाएंगे, जो ये कह रहा है वही हम करेंगे। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ दिया, मान के चले ये हमारी संख्या है, तो इस मान के संख्या, तो संख्या में हम 21 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 36, ठीक है। 14 में 21 जोड़ दिया, 35 हो गया, ठीक है। वह अपनी तिगुनी संख्या से 37 कम हो जाती, ये वाली 7 कम हो जाती तिगुनी संख्या से, तो इसका 3 गुना कर दो, तो 14 गुणा 3 करोगे तो 42 हो जाएगा। अब 42 में अगर डिफरेंस घटाओ तो 42 में से 35 घटा दीजिए तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन। किसी यदि मतलब किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, तीन गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 आता है तो वह संख्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। मान के चले संख्या आपकी x है, तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर संख्या उनका 3 गुना कर दो, इसमें से 7 घटा दो, 7 घटाने पर 14 प्राप्त होता है, कुछ है नहीं। तो 3x बराबर में 14, ये उसको उधर लेके जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर में 21, ये 7 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 7। x बराबर कितना आ गया, 7। तो संख्या कौन सी हमारी है, 7 है, ठीक है। बात समझ पाए। अब अगर आप ऑप्शन से हल करना चाहते हो तो हाँ, ऑप्शन से हल करके लो, कर लो। किसी संख्या के तिगुनी से, मान लीजिए संख्या है, संख्या का 3 गुना करो 21 आ जाएगा, 7 से डिवाइड मारो आप इसको तो 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 आने पर संख्या से 7 घटाने पर 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 14। कितना आ जाएगा, परिणाम क्या प्राप्त होता है, 14, तो 14 आ गया हमारा, समझ गए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको हम लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए समझे, यहाँ पे 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है, तो पहला भाग क्या होगा, ठीक है। तो बात करें कि ये देखो, ये 24 है ना, 24 को दो भागों में डिवाइड करना, तो अगर हम कहें 24 को दो भागों में डिवाइड करो तो हो सकता है कि ये 10 हो, या फिर हो सकता है ये 14 हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 15 हो और मान सकते हैं ये 9 हो, ठीक है। या अगर हम कहें कि ये संख्या 11 हो और ये संख्या आपकी 13 हो, तो हमें नहीं पता कि 24 के टुकड़े कौन कौन से हैं ना। 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटना है ना, तो बांटने के लिए हम क्या करेंगे, एक अगर हम कहें आपसे एक बात कहें कि अगर 24 में से एक संख्या आपकी 10 है तो आप दूसरी बोलोगे कि सर ये 14 है, ठीक है। क्या किया आपने, 24 को 10 से 24 में से 10 घटा दिया तभी 14 मिला। तो ऐसे ही हम एक संख्या मान लेंगे, माना पहली संख्या x है, ठीक है।
तो दूसरी क्या हो जाएगी, पहली अगर हम 10 माने तो दूसरी 24 में से 10 घटाओगे तभी 14 मिलेगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 24 में से घटा दीजिए x, 24 में से घटा दीजिए x, ठीक है। तो अब समझो आगे क्या करा, इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का 7 गुना, पहला भाग कौन है ये वाला, इसका 7 गुना कर दो, दूसरे भाग में 5 गुना, तो दूसरे भाग में 5 गुना कर दो, तो ये जाएगा 5 24 माइनस एक्स से जोड़ने पर, 5 गुना मतलब 7 गुने और 5 गुने में जोड़ने पर आपको 140 मिलता है, तो प्लस कर दीजिए 146 आ जाएगा, ठीक है। ये 7x आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 110, 120 आ जाएगा, 5 और 20 5 10 दोबारा माइनस में 5x बराबर में 146, इन दोनों में से 5 7 में से 5 घटा देंगे तो 2x बचेगा बराबर 146, इस 120 को उधर लेकर जाएंगे माइनस तो 2x बराबर में आ जाएगा कितना 26, ठीक है। इसे डिवाइड मार दो ये 13 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 13, तो संख्या हमारी कौन सी है 13, ऑप्शन ये हो गया ना, बात समझ पाए। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो वैसे भी हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो, यानी बराबर हो, तो दोनों भाग ज्ञात करो, ठीक है। तो इनमें से हम ऑप्शन को उठा के आपको करवा रहे हैं, ठीक। अगर वैसे करोगे वैसे भी हो जाएगा, अगर चलो वैसे ही बता देते हैं फिर ऑप्शन से बता देते हैं। वैसे क्या है, पहला मान लेंगे, मान लिया पहला भाग, पहला भाग एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा आपका 74 में से पहला भाग x है तो दूसरा घटा देंगे पहला वाला तो 74 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार व्यक्त किया है ताकि एक भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का मैंने कर दिया 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 454 बनाते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, मतलब ये हो गया इसका 11 गुना करना है, 11 गुना तो 11x बराबर में आ जाएगा 454, ठीक है। तो 5x प्लस में इसके 11 से गुणा करा दूँ, 11 से 77x माइनस में एक मिनट 74 आ जाएगा, 11 जो 44, 11 से 77 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11x बराबर में आ जाएगा 454, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले पद हैं उनको अलग कर लेंगे, तो 5x में से 11x को घटा दोगे तो माइनस का 6x बच जाएगा, तो 454 माइनस में इसको उधर लेके जाएंगे तो 814 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 6x इसमें ज़्यादा में से घटा, 4 में से 4 जाएगा 0 क्योंकि ये कम है, इसी में से घटाना पड़ेगा, तो 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है। ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 संग 36, 60 आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 60, यानी पहला भाग 60 आ गया। तो दूसरा क्या माना था हमने, दूसरा भाग माना था 74 माइनस एक्स, तो 74 में से आप घटा दीजिए एक्स को, 60 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 14, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगर आप ट्रिक से करें, ऑप्शन से करें तो देखो ध्यान से, ऑप्शन से करने हैं तो पहले ही ऑप्शन उठा के करते हैं, तो यहाँ समझो कह रहा है पहला भाग 60 है, दूसरा आपका मान लिया 14 है, ठीक है। ताकि एक भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का हम कर देते हैं 5 गुना, ठीक है, तो 60 गुना 5 और दूसरे भाग का 11 गुना, तो 14 गुणा में 11 गुना करके दोनों को मिलाकर 454 आ रहा है, अगर इनको मिलाकर के 454 आ रहा है तो सही आंसर बना, गलत हो जाएगा, तो ये जाएगा 56 30 300 प्लस में 14 एकम 14, हाँ से लेकर आ गया 14 एकम 14 और 1 15, ठीक है। 300 में 154 जोड़ोगे तो 454 ही मिलेगा, तो चाहे यहाँ पर ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, ठीक है। ऐसे टाइम लग रहा है, हम ऑप्शन को उठाओ तुरंत धड़ाम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अच्छा इन हाँ ये क्वेश्चन हम कल की वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ये दो क्वेश्चन हमने लिए थे, इनको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्य आपका
चार आता है, संख्याएं चुनिए। ठीक है, तो आप बेसिक छोड़ो, आप यहाँ समझो कि हम इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। आप जितना ऑप्शन का अप्लाई करोगे बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। ऑप्शन का मतलब होता है कि ऑप्शन के आपका आंसर सामने रखा होता है तो ऑप्शन में इजी हो जाता है। तो एक एक करके रखेंगे उसमें टाइम कम लग जाएगा। तो जो ये कह रहा है वही हम यहाँ पे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कह रहा है दोनों का अंतर अगर हम इनमें, तो हम देखो ऑप्शन से बताएंगे आपको, क्योंकि ऑप्शन से करोगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके उत्तर आपके सामने होता है, आप मैच करा लो आराम से हो जाएगा, कोई कठिन नहीं होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि पहले कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या। तो 112 में से 40 घटाओगे 72, पहली ठीक है। इसमें इसको घटाओगे 72, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो ये 72 तो मिलने वाला नहीं है, 86 मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। इसमें घटाओगे 72, तो तीन ऑप्शन है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्य आपका भागफल 4 आता है। तो हम जरा इसको भाग कर रहे हैं, आप इसको जरा भाग करके देखिए, जिसका भागफल आंसर 4 दे देना तो वही उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 2 8 तो 80 आ जाएगा, 2 ये 9 बच गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बच जाएगा। इसको जब आप इसको भाग दोगे 112 को, आप 40 से भाग दीजिए 2 बार में, 80 आ जाएगा, 2 बचा, 3 32। इसका मतलब है कि 4 नहीं आया ना, भागफल यहाँ 4 आना चाहिए। तो भागफल 4 का आना, 2 आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, ये पहले ही गलत है। इसको देखते हैं, 24 को भाग दीजिए 96 से, 24 चक्कू 96 होते हैं। ठीक है, भागफल कितना आ गया 4, भागफल कितना आ गया 4, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये शेष 6 बच रहा है। इसको चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए, आप भाग दीजिए 3 बार जाएगा, 90 आ जाएगा, 3 बार है ही नहीं, हमारा 4 आना चाहिए, जिसमें 4 ही आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये लिखा है 43 87 43 87 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। मतलब इकाई का अंक, एकल का मतलब होता है इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो समझो जरा ध्यान से, इसमें इकाई का अंक है 7, इसमें इकाई का अंक है 1। तो कितने भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, तो हमें ये ज्ञात करना है कि इकाई का अंक 7 है तो उसमें ऊपर पावर देखेंगे, पावर क्या है, जो भी पावर है हमें कुछ नहीं करना है, उसमें 4 से डिवाइड मारो। इसमें ऊपर कितनी पावर दिख रही है, 445 दिख रही है, तो यहाँ 4 से डिवाइड मारोगे तो इकाई का अंक यहाँ 7 दिख रहा है, और छोड़ देने से मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो 4 6 24 आ जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करोगे, एक मिनट, 4 6 24 6 आएगा, और 4 1 4 जो शेष बच रहा है वो यहाँ पर लगा देंगे। इधर देखो इकाई का अंक 1 है, तो 1 में कितने भी पावर कर दो 1 ही रहेगा ना, तो अब 7 की इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, 4 सही है। ठीक है, जो भी पावर है उसे अगर आप 4 से डिवाइड कर दो भाग, जो भी पावर है, अगर 445 था यहाँ, 4 से अगर भाग करेंगे तो 6 बार में 24 आ जाएगा, 5 करेंगे 4 1 4 आ जाएगा, 1 बचा, तो जो शेष बचेगा ना वही पावर में लगा दिया करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पे 6 होता तो यहाँ 2 बच जाता, तो 7 के ऊपर 2 पावर लगा देते। ठीक है, अगर 7 के ऊपर 2 लगाएंगे तो यहाँ गुणा में 1 1 के ऊपर कितनी पावर, 1 ही रहेगा, तो 7 7 49। ठीक है, तो अब इकाई का अंक 9 आएगा, बात समझ गए। ठीक है, तो इस समय हमारा ऑप्शन कौन सा, 7 सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें दीजिए आंसर, आप लोग जरा ध्यान से दो आंसर दो भाई। 122 की पावर 173 लिखा है, मैंने कहा ना कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों ना पावर हो, उसका पहला अंक ले लो 222 में 2 अंक ले लो, इकाई का अंक लेना इससे मतलब नहीं है, ऊपर पावर 173 लिखी है। अब हम पावरों को 4 से भाग करेंगे हर बार में, तो 2 की पावर में देखो 4 4 16 एक बचा, ठीक है 13 हो जाएगा, 4 3 12 यानी 1 बचेगा, तो पावर 1 आ जाएगी, इसका मतलब 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो समझो, यहाँ से 4 से भाग देंगे 4 4 16 आ जाएगा, यहाँ 1 बचा 3 आएगा, 4 3 12 आ जाएगा,
चार तीन 12, शेष क्या बचा एक, जो शेष बचेगा ना वही उसके पावर पे लगा दिया करेंगे और जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, ये लिखा है 49,237 गुणा 39,95 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल का इकाई का अंक, इकाई के स्थान का अंक बताइए। अब इतनी लंबी गुणा है कि आप इसको गुणा करके देखोगे कि कितने आएगी, है ना, ऐसा नहीं करोगे ना, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए और कोई मतलब नहीं है। तो सबका इकाई अंक ले लो, जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 8, इसका 3 और इसका 9, ठीक है। तो बारी बारी से गुणा करेंगे। अब समझो ध्यान से, अगर किसी भी गुणा में अगर 5 आ गया और 5 के साथ गुणा में कोई सम नंबर आ गया, कोई भी सम नंबर आ जाए तो उसका 100% जो भी इकाई का अंक होगा वो 0 हो जाएगा, समझ गए। देखो समझो, आप इसकी गुणा करो, ये 7 × 35 आ जाएगा, गुणा 8 आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा, गुणा 9 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 35 आ गया तो 8 × 40, ठीक है, तो 40 का मतलब 0 आ गया। अब गुणा 3 × 9, इसका इकाई अंक 0 × 3 × 9, तो अब 0 की किसी से गुणा करो तो 0 ही आएगा ना, बात समझ पाए, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक। मैंने क्या कहा कि 5 में गुणा के साथ कोई सम नंबर है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है, बात समझ गए, या फिर 8 हो, तो इनकी मल्टीप्लाई किसी से 5 से कराओगे तो सब में 0 ही अंक मिलेगा। इसलिए आप समझ जाना कि अगर 5 और 8 में कोई मतलब ऐसा हो गया कि 5 के साथ कोई भी अंक ऐसा है जो सम है तो डायरेक्ट उसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आंसर दीजिए, 3×40 का अंतिम अंक कितना होगा, अंतिम का मतलब अगर 300, 3 को 40 बार मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, तो कुछ नहीं करना, मैंने कहा था कि जो भी पावर है उसको 4 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 4×4, ठीक है। ये 0 जो बचागा यहाँ आ जाएगा, 0 बचा, इसका मतलब ये कोई भी अगर शेष 0 बच रहा है ना उसका, तो आप ये समझ लेना कि इसकी पावर 0 तो होगी नहीं, ठीक है। आप एक काम करना कि जब भी पावर 0 आ जाए, जब भी पावर आपकी 0 आ जाए तो आपको उसके ऊपर 4 पावर लगानी है। जब भी पावर 0 आएगी, जब भी पावर 0 आए तो उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, सबसे पहले पावर 4 लगानी है, अब उसकी गुणा कर लेनी है, तो 3 की 4 बार गुणा करनी है, 3×9 होते हैं 27, 27×81 का मतलब 81 आ जाएगा, 81 में इकाई अंक क्या है, 1, तो पहला क्या आ जाएगा, 4, बात समझ गए। अब ये मत समझ लेना, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी, छोटी सी छोटी, तो हमें पता है अभाज्य संख्या, हमने आपको बताई थी अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, 3, 5, 7 डेढ़ डेढ़ करके, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है, तो यहाँ समझिए जरा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, 2.39 की पावर में 2 माइनस 1.61 की पावर में 2 अपॉन में 2.39 माइनस 1.61। अब आप ये थोड़ी करेंगे, इसकी पावर करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना, आप कर ही नहीं पाओगे, गलती कर दोगे। तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, a² − b² का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार आप माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी पावर में 2 लिखा हो, यहाँ अलग अलग अंक हो, माइनस हो बीच में, तो इन्हीं को एक बार हमने प्लस में और इन्हीं को एक बार माइनस में लिख लिया। तो आप ज़रा थोड़ा समझो कि हम इसको मान लेते हैं a की जगह पे, इसको मान लेते हैं b की जगह पे, बात समझ गए। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b, इसका मतलब है कि 2.39 प्लस में 1.61, पहले इनको ब्रैकेट में लिख लिया एक बार प्लस में, अब इन्हीं को हमें माइनस में लिखना है सूत्र के हिसाब से, तो 2.39 माइनस 1.61 बटे में 2.39 माइनस 1.61, ये एक जैसा दिख रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा। अब बस आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करोगे तो ये जाएगा 0,
इसको इससे ऐड करोगे 9 और 9 एक 10, ठीक है। इसको इससे ऐड करोगे तो 3 और एक 4 आ जाएगा। अब 2 के बाद दशमलव, इसका मतलब 4 आ गया। कौन सा आंसर सही है? ये वाला सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको हम पहले यहाँ लिख देते हैं, 2.644 प्लस 2.356 ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में लिखा है 2.644 माइनस 2.356 अपॉन में 0.288, ठीक है। ये जो अंक दिख रहे हैं 2.64, 2.64, 3.3, 2.356, 3, 2.356, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं कि इनको जोड़ते हैं, ब्रैकेट को तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे। इसको देखो, इसको इससे जोड़ोगे तो ये जीरो आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो 9 एक 10 आ जाएगा, हाँसी लग जाएगा। इसके इसके साथ जोड़ेंगे तो 9 एक 10 आ जाएगा, हाँसी लग हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ोगे 4 और एक 5, ठीक है। अब गुणा में, अब इसको घटाना है, बात समझ गए। तो 14 में से 6 घटाओगे 8 बच जाएगा, ठीक है। 13 में से 5 घटाओगे 8 बच जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 बच जाएगा। अब 2 में से 2 घटाओगे तो 0 और 3 के बाद दशमलव, ठीक है। बटे में 0.288, ये वाले दोनों आपके कैंसिल हो गए तो 5 आ गया आंसर। 5 के बाद 3 जीरो लगे, कोई महत्व नहीं, अंक होता तो महत्व होता। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए, इतने ही क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। अगले प्रश्न, मतलब अगला मॉडल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।